अलाज़त बरेलवी रहमतुल्लाह एक दिन फजर की नमाज में लेट हो गए, वक्त करीब आ गया, इख्तिताम का 10 मिनट रह गए हैं, नमाज का टाइम खत्म होने में देर से जल्दी से वुजू करके आए। तो कुछ खुद्दाम कहते हैं कि सारी जिंदगी उनका यह तरीका रहा कि मस्जिद में सीधा कदम रखते थे, तो आज चूंकि जल्दी है, इमरजेंसी है, टाइम थोड़ा रह गया, तो हमने कहा आज देखें क्या बनता है। लेकिन कहते हैं कुर्बान जाएं, उन्होंने पहले मस्जिद में सीधा कदम रखा। जल्दी बड़ी थी पर तरतीब का ये हुस्न था कि मस्जिद में सीधा कदम और फिर जिस सब में कदम रखा उसमें सीधा ही रखा, मुसल्ले पे गए तो वहां भी कदम सीधा ही रखा। फरमाते बाद में किसी ने तारीफ की कि हुजूर क्या बात है सुन्नत की पाबंदी की, फरमाने लगे सिर्फ थोड़ा ख्याल ही तो करना पड़ता है, सिर्फ अदमे तवज्जो से लोग बहुत सारी अदाएं छोड़ जाते हैं, तवज्जो ही तो कमाल है। आपने जो सीखा है उस पर मैंने दूसरी जगह से जो आयात तिलावत की है, रब फरमाते हैं इबादुर रहमान अल्लज़ीन यमशूना अलल अर्द हौना, जो रहमान के बंदे होते हैं ना इनके अंदर फिर आजजी आ जाती है, ये ना फिर जमीन पर आजजी के साथ चलते। रहमान के बंदे जो हुए कोई तसन्नो नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई शोबदाबाजी नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई खाता नहीं, कोई अल्लामा साहब किनारे नहीं, कोई पीर साहब की खुशामद नहीं, कोई फलाने शेख किसी चीज को पसंद भी नहीं करते, बल्कि कहते हैं उठ बुलिया चलो थे वसीये, उठ बुलिया चलो थे वसीये, जिथे वसते नहीं सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू मन्ने। जब तक आपके मिजाज में आजजी नहीं आती, तबीयत में एक होता है कि आपके आपकी अदाओं में आजजी है, वो तो लोग अपना काम निकालने के लिए भी कई दफा तारीफ कर लेते हैं, अपना काम निकालने के लिए बड़े बड़े अलकाबात बयान कर लेते हैं, लफ्जों की आजजी और आपकी अदाओं की आजजी और होती है, और आपके दिल में कितनी आजजी है ये रंग और होता है। अपनी जिंदगी के अंदर तबीयत के अंदर अल्लाह के बंदे आजजी